बल्कि आज वो देश के श्रेष्ठ मिमिक्री कलाकारों में से एक है। अपने फैंस का प्यारा और बीवी बच्चों का दुलारा जॉनी वास्तविक जिंदगी में भी खूब हंसी मजाक करता रहता है। जॉनी लीवर, तुम्हारा असली नाम क्या है? जॉन राव। लीवर उस कंपनी का नाम है जिसमें तुमने काम किया था, पर ये तुम्हारा सरनेम कैसे हो गया? वहाँ मैंने एक शो किया और अपना आइटम दिया और कुछ फिल्म स्टार अपने कुछ मैनेजर्स थे हमारे, जो फेमस मैनेजर्स पर्सनल मैनेजर है, को क्या है, उन लोगों की नकल मैंने कर दी, उनका नाम लिया ने उनकी नकल कर दी। तो सब लड़के लोग तुमने यार सबकी छुट्टी कर दी, लीवर की हालत बिगाड़ दी तुमने, आज से तेरा नाम लीवर 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 ही पुकारने लगे, फिर जॉनी लीवर हो गया इसी तरह। जब तुम शत्रुघ्न सिन्हा से पहली बार मिले उस समय का अनुभव बताओ। बहुत से लोगों ने उनको बताया कि यार वो जॉनी लीवर आपकी बड़ी जबरदस्त कॉपी करते हैं, तो वो तड़प रहे थे कि कहाँ मिलूँ मैं। तो एक दिन कल्याण जी आनंद जी भाई का प्रोग्राम था शनमुखानंद में, तो सिर्फ वो मेरे लिए आए थे, आना तो था उनको एज ए गेस्ट, तो बोले स्पेशली मैं जॉनी लीवर को देखने आया हूँ, वो मेरी कॉपी कैसे करता है, बहुत तारीफ सुनी है। तो उन्होंने देखा, फिर उन्होंने खुद स्टेज पर बुलाया, बोला खास तौर पर मैं जॉनी लीवर के लिए आया हूँ, सुना है मेरी बहुत अच्छी कॉपी करते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो स्टेज पर आए मेरे सामने मेरी कॉपी करे। तो मैंने किया उनके सामने उनकी कॉपी, बहुत खुश हुए। वाह चाचा वाह, गुनाह का खाया मैं ढकेलना जानता हूँ, लेकिन उसको गहराए से घबराते हो तुम, चौक चाप तमाशा देखते रहो चाचा, जानते साहब ने क्या किया, इसे मैंने कहा कि राम की मूर्ति लाओ चुरा कर, इसे लक्ष्मण की मूर्ति चुरा के लाओ, आप ही बताइए राम बगैर लक्ष्मण की मूर्ति कौन खरीदेगा, इस कंबख्त को हड्डियां तोड़ सुरोना, ऐसा कुछ किया। और अशोक कुमार, उनकी भी तुम बहुत अच्छी नकल उतारते हो। पहली बार मिले तो बोलते तुम इधर, तुम पहले मेरी नकल करके बताओ, नहीं तुम पहले मेरी नकल करके बताओ, फिर मैंने नकल की, फिर वो हंसे, फिर शूटिंग किया उन्होंने। तुम्हें कभी अमिताभ बच्चन की नकल उतारते नहीं देखा? उनकी आवाज बहुत ये बेस चाहिए, बहुत डिफिकल्ट है मेरे लिए, दूसरे लोग करते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ तो मेरे 3-4 आवाजें खराब हो जाएगी, तो इसलिए मैं उनको माफ कर देता हूँ। और हमारे आज के स्टार्स आमिर सलमान वगैरह, उनके लिए मैंने अपने भाई को छोड़ दिया, मेरा छोटा भाई है, वो इन लोगों को पकड़ता है, आजकल मेरा बहुत कम हो गया अभी कॉपी फिल्म सारों की ये कॉपी करना, मैंने मोस्टली बंद किया है, अभी नहीं होता, फिल्मों में बिजी हो गया। और क्या तुम हीरो बनने आए थे? कॉमेडी हीरो कहाँ से बनेंगे, मैं हीरो लगता हूँ? अरे क्या बात है, कॉमेडी ठीक है, बचपन से शौक कॉमेडी का। तो फिर फिल्मों में कैसे आए? कल्याण जी आनंद जी भाई के साथ हम प्रोग्राम करते थे, उनके यहाँ बैठा हुआ था, तो उनके यहाँ प्रोड्यूसर आते रहते हैं उनकी फिल्मों के लिए, तो एक प्रोड्यूसर के यहाँ बात चला गया, उन्होंने बोला एक लड़का जॉनी है इधर ले जाओ, अच्छा आर्टिस्ट है, तो मद्रास गया एक पिक्चर में शूटिंग कर गया। क्या लोग यही अपेक्षा रखते हैं कि तुम उन्हें हंसाओगे? पता नहीं उन लोगों क्या है, जहाँ मिलते हैं एक जोक सुनाना, अभी जोक हम लोग कहीं में, अरे कुछ सुनाओ यार, कहीं किसी शादी में चले गए, अरे वाह वाह कुछ सुनाओ, अस्पताल में किसको देखने गए कुछ सुनाओ, मैयत में गए शमशान घाट कहीं चले जाते हैं किसी के लिए, तो वहां भी अरे भाई कुछ आवाज डायलॉग वाला तो सुना, अरे बाप रे, अभी ये उन लोगों का मामला है तो क्या करें। तो फिर एक जोक सुनाओ ना, अभी आप भी बोल रही कुछ सुनाओ। फिर भी एक सिंधी भाई सदाजी बाजूबाजू में रहते थे, हमारे सिंधी भाई का जो बच्चा है वो बड़ा शरारती था, कुछ तो कुछ उल्टा सीधा काम करता ही रहता था, बाजू वाले बच्चे से सदाजी हमारे पड़ोस में जो रहते थे वो परेशान थे, वो शिकायत लेके बच्चे की शिकायत लेके पहुंच गया चेला रमाणी के पास। ओ चेला रमाणी आदरा, ये तेरा बच्चा है शैतान है, बाबा क्या हुआ, अरे क्या हुआ, और तेरे बच्चे ने पत्थर मार के खिड़की का कांच तोड़ दिया, ओए कांच, अरे बाबा छोड़ो बच्चा है यार, बाबा जी बच्चों के चक्कर में किधर लगे पड़े हो यार, छोड़ो बच्चा है, और फिर मेरा बच्चा थोड़ा पागल है ना, थोड़ा क्रैक है पागल, छोड़ो छोड़ो छोड़ दिया, फिर एक घंटे बाद आए, अरे चल आदरा, और तेरे बच्चे ने हद कर दिया, हद, बाबा क्या हुआ,
और तेरे बच्चे ने मेरे बच्चे का सर तोड़ दिया, खून खान कर दिया, सर तोड़ दिया यार। बच्चा है यार, मेरा बच्चा पागल है यार, क्या करेगा, पागल है यार, करेगा क्या, बोलो ना। छोड़ दी। फिर एक घंटे बाद, और यार तेरे बच्चे ने हद कर दी, हालत खराब कर दी है तेरे बच्चे ने यार, ज्यादा हो गया क्या हुआ, और तेरे बच्चे ने पत्थर मार के मेरा टीवी तोड़ दिया, और टीवी तोड़ दिया मैं। अच्छा पागल है पापा जी, बच्चा है और पागल है, क्या करे, और यार पागल है तो अपने घर का टीवी तोड़वा, इतना पागल थोड़ी है वो। ये प्रतिभा तुम्हें किससे मिली, माँ से या पिता से? मेरी माँ जो है वो कभी सही तरीके से हिंदी बोलना जानती नहीं, लेकिन आप आओ मुझसे मिलने तो नाम उनको याद नहीं रहेगा, लेकिन आपकी कॉपी करके बताएगी कुछ ऐसे कुछ बोल रही थी या बोल रहा था, ये स्टाइल था, तो मैं फट से पहचान लूंगा कि फलाना आदमी आया होगा। तो वो अनजाने में वो नकल कर लेती, बोले ऐसे ऐसे बोल रहा था, ऐसे देख रहा था, ये कर रहा था, तो वो कहीं से टैलेंट मुझ में आया होगा। जब तुम लंबे आउटडोर के बाद घर लौटते हो तो तुम्हारे बच्चे तुम्हारा स्वागत कैसे करते हैं? बच्चे लोग मेरे ऐसे मिलते हैं जैसे मैं जेल से आया, इतनी खुशी।